आज हमारे साथ शैलेश गांधी जी हैं, जो कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं इस देश के, और उन्होंने हमेशा राइट टू इंफॉर्मेशन और सूचना के अधिकार के लिए उन्होंने काम किया है, और सूचना का अधिकार वो बोलने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इन सब के बारे में आज विस्तार से हम बात करेंगे शैलेश गांधी जी से, कि आपके ऊपर भी कंटेम्प्ट का केसेस डाले गए थे और बाद में फिर वो केस चले, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपके अनुभवों के बारे में जो पर्सनल है वो। मैं सिर्फ 5 केस में कोर्ट्स के सामने गया हूँ, रिट या पीआई में मेरे बहुत ज्यादा केसेस नहीं किए हैं, और उसमें 2 बारी मुझे कोर्ट्स ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गिल्टी ठहराने का थ्रेट दिया था। एक बार ऑर्डर दे के बंद किया, एक बार जबानी बंद किया, और दूसरी बार जब बंद किया तो प्रशांत भूषण मेरे साथ आके दिल्ली हाई कोर्ट में खड़े रहे थे, और उनकी वजह से और कॉलिन गोंसाल्विस जो मेरे साथ खड़े थे, उन दोनों की वजह से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आगे नहीं बढ़ा। तो मैं कुछ हद तक समझता हूँ इसका दर्द क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। मैं बताऊं आपको, एक केस था जब मैंने SRA में बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी पुलिस के पास, एक्सटॉर्शन की, ब्लैकमेलिंग की, मारा पीटी की, असॉल्ट की वगैरह वगैरह, दादागिरी की, और कोई काम नहीं हो रहा था। ये 2007 की बात है। मैंने RTI में निकाला कि 85 कंप्लेंट्स ही SRA के सीरियस मैटर्स में, उसमें से सिर्फ 3 मैटर्स में ही कुछ काम कार्रवाई हुई थी, और वो तीनों मैटर्स सही पाए गए थे कि इलीगल काम हो रहा था। दूसरे चीज के लिए पुलिस ने कह दिया कि ये तो मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया, इसके लिए हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन किया, बाकी पे हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत था, तो मैंने PIL दाखिल की, और मैं पार्टी पर्सन रहा, मेरा कोई कोर्ट का अनुभव नहीं था, मगर मैंने कहा मैं खुद आर्ग्यू करूंगा ये मैटर को। चीफ जस्टिस उस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस JN पटेल थे, उन्होंने क्लियर आदेश दिया, कहा बात बहुत सरल है, अगर कंप्लेंट आती है और गलत काम हुआ है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज नहीं है एंटी करप्शन ब्यूरो पे उसके लिए रिसोर्सेज सरकार को देने चाहिए। और उन्होंने आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर कोर्ट मॉनिटर्ड अभी इन्वेस्टिगेशन है, एंटी करप्शन ब्यूरो को इसको इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट को 3 महीने में इंटरिम रिपोर्ट देनी है और 6 महीने में फाइनल रिपोर्ट देनी है। 25-1 दिन में मुझे ध्यान में आया कि सरकार ये करने का कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, इसके लिए मैंने कोर्ट को वापस अप्रोच किया। एडवोकेट जनरल ने कहा नहीं, मिस्टर गांधी समझते नहीं है बात को, हम कोर्ट का आदेश बराबर पालन कर रहे हैं। हफ्ते के अंदर जस्टिस JN पटेल की ट्रांसफर हो गई, नए चीफ जस्टिस आ गए, और सरकार ने नोटिस ऑफ मोशन निकाला कि जो चीज कोर्ट ने ऑर्डर में लिखी थी कि एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम आदेश के हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा वो कभी बोले ही नहीं। दूसरे चीफ जस्टिस ने इसकी सुनवाई लगाते गए, एडजर्न करते गए। 3-4 बार ये हुआ कि मैटर आती थी और सबको देख के चीफ जस्टिस फाइल बंद कर देते थे एडजर्न करके। 4th बार ये जब हुआ तब मैंने कोर्ट में एक अपना बयान रखा कि मेरे हिसाब से ये बहुत गलत बात है, कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो रहा है, मेरी बात नहीं है, और अगर कोर्ट को लगता है कि ये PIL में कोई दम नहीं है तो इसको डिसमिस कर दिया, मगर इस तरह मुझे मत लटकाइए। और मेरे हिसाब से भारत के नागरिक को इतना मान सम्मान तो मिलना चाहिए कि जब उसको डेट दी जाए तब उसकी सुनवाई हो, और अगर नहीं सुनवाई हो तो कुछ कारण दिया जाए, क्यों नहीं, ये मिनिमम कर्टसी है एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ जो करता है। कोर्ट स्तब्ध हो गई, उन्होंने कहा हम इसकी सुनवाई करेंगे, अगली सुनवाई तारीख दी उन्होंने, और मैं बाहर निकला तो किसी रिपोर्टर ने मुझे पूछा कि कोर्ट ऐसा क्यों करती है। मैंने कहा कि सब उनको लॉर्ड्स कहते हैं तो उनको ये लगता है कि हम भगवान हैं। तो रिपोर्टर ने पूछा मैं रिपोर्ट करूं, मैंने कहा मैं जो कहता हूं वो पब्लिक डोमेन में है, आप जरूर रिपोर्ट कीजिएगा। इस मुद्दे को लेके जब अगली हियरिंग पे हुई तो कोर्ट ने कहा ये तुमने हमारा कंटेम्प्ट किया है। मैंने कहा मैंने क्या कंटेम्प्ट किया, मैं तो ये सुन नहीं रहे थे मेरी, और मेरे पास कोई कोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं, उन्होंने बोला आप अपोलोजाइज करो नहीं तो मैं आपको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आपके सामने डाल दूंगा। तो मैंने कहा मैं ये नहीं करना चाहता, मगर मेरी बात सुनिए आप। तो कोर्ट ने कहा मैं फाइनल आदेश दे रहे हैं ये तुम्हारा मैटर डिसमिस करने को, मगर अगर तुम अपोलोजाइज करोगे तो हम तुम्हारी मैटर सुनेंगे। अब मैं भी बेवकूफ था, कोर्ट के अनुभव नहीं थे मेरे, मुझे लगा कि मेरे 1 साल के
लिए मैंने जो मेहनत की थी वो सब पानी में जाएगी इस वजह से, तो मैंने कहा मैं अपोलोजाइज करता हूँ। कोर्ट ने वो पकड़ के एक बार हियरिंग करी और उसके बाद वही वापस शुरू हो गया। और इसके लिए कंटेम्प, और मेरे हिसाब से ये कंटेम्प चार्ज बिल्कुल जायज नहीं था। दूसरी बार उससे भी पिक्यूलियर है, जब मैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना तो एक मैटर कमीशन के ही पीआईओ की मेरे सामने आई और उसमें मुझे लगा कि कुछ बैकडेटिंग या कुछ फोर्जरी की गई थी पेपर्स में मेरे सामने जब मैटर आया तब, ऐसा लगा। तो मैंने कहा मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा इस मैटर को और एक महीने का टाइम दिया और रिलेवेंट ऑफिसर्स को कहा कि फाइल्स के साथ मेरे सामने प्रस्तुत होंगे। शायद उन्होंने गड़बड़ी करी थी और वो कमीशन के लॉ ऑफिसर थे जो मेरे ख्याल से अंडर सेक्रेटरी या उसके ऊपर के रैंक के थे, मतलब काफी होते के थे। उन्होंने जाके पहले चीफ कमिश्नर से कहा कि ये मैटर गांधी जी से ले लीजिए। मैंने कहा क्यों? तो चीफ कमिश्नर ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे। वो चले गए हाई कोर्ट में और उन्होंने ये कहा कि ये कमिश्नर को मेरे खिलाफ कुछ तकलीफ है, इसके लिए मेरे पीछे पड़े हैं, इसके लिए इसको बंद कर दिया जाए। तो स्टे ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने और उसके 3 महीने बाद मेरी रिटायरमेंट डेट थी। और मुझे पर्सनली नॉर्मली जब कोई केस होता है तो कमीशन या के सामने होता है, ये केस शैलेश गांधी कमिश्नर के सामने दर्ज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे दिया कि आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। तो पहले कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस दी कि भाई आप इसमें से निकल जाओ, कहो मैं तो रिटायर हो रहा हूं, मेरे को लेना देना नहीं है, जाने दो मैटर को। तो मुझे ये लगा कि बहुत महत्व की मुद्दा है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या नहीं जब उसको कोई गलत दिखाई दे। उसके लिए भी कोर्ट अगर स्टे ऑर्डर दे तो फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर रखने का कोई मतलब ही नहीं है। स्टैट्यूटरी एक अथॉरिटी है इतना सीनियर, इसलिए हमने, मैंने कॉलिन गोंसाल्विस से मेरी पिटीशन बनवाई और उसमें हमने ये प्रश्न पूछे कि इसके साथ हम ये जोड़ना चाहते हैं कि ये जायज था क्या स्टे ऑर्डर देना, और कोर्ट अगर इस तरह से स्टे ऑर्डर्स देगी तो कमीशन काम कर सकता है क्या कानून के हिसाब से। अगर मैं कुछ पनिशमेंट देता उसको चैलेंज होती तो बात अलग थी, इन्वेस्टिगेशन भी अगर नहीं कर सकता हूं, अगर पुलिस को भी आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे तो बात ही कैसे बनेगी। कोर्ट को इन्वेस्टिगेटर नहीं है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर काफी सीनियर पोजिशन है देश में, उसको भी अगर इन्वेस्टिगेशन करने से आप रोक दें तब तो ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी। मैटर आई कोर्ट में मेरे रिटायर होने के 3-4 महीने बाद और सामने की साइड ने कहा कि हम तो विड्रॉ करना चाहते हैं क्योंकि शैलेश गांधी रिटायर हो गए। शैलेश गांधी रिटायर हो गए नहीं बोला उन्होंने, हमने विड्रॉ करना चाहते हैं ये पिटीशन। मैंने कॉलिन से कहा था कि विड्रॉ मत करने देना, हमें इस मैटर में डिसीजन होना चाहिए, कोर्ट का निर्णय होना चाहिए ताकि आगे तो कुछ रास्ता क्लियर हो। तो कॉलिन ने कहा नहीं भाई ये तो सामने वाले ने कहा कि देखिए ये पिटीशन में वो कह रहे हैं कोर्ट को कि निर्णय दीजिए कि इस बारे में क्या होना चाहिए, कमीशन को इस तरह से होना चाहिए या नहीं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो कोर्ट ने कहा हाँ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आगे की हियरिंग में शैलेश गांधी को खुद आना पड़ेगा। और ये दिल्ली में बात थी, मैं मुंबई में रहता हूं तो अगली हियरिंग में मैं गया, प्रशांत जी मुझे मिले, उन्होंने कहा शैलेश मैं भी आता हूं आपके साथ। प्रशांत जी और कॉलिन दोनों खड़े थे, हाईकोर्ट के जज ने कहा कि भाई मिस्टर गांधी आप अपोलोजाइज करने को तैयार हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे हिसाब से जो मैंने किया जायज किया, क्योंकि नहीं तो कमीशन चल ही नहीं सकता है और मेरे हिसाब से इन सवालों का जवाब कोर्ट को देना चाहिए और आप निर्णय करें। हम ये नहीं कह रहे हैं आप गलत निर्णय कर रहे हैं, सही निर्णय कर रहे हैं, मगर आप निर्णय कीजिए। प्रशांत जी और कॉलिन जी ने, प्रशांत जी ने खास तौर पे बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट दी जिसके बाद कोर्ट की हिम्मत ही नहीं हुई कि कंटेम्प्ट शब्द का इस्तेमाल करें। वापस सामने की साइड ने कहा कि इसको विड्रॉ करना चाहते हैं, तो मैंने प्रशांत जी और कॉलिन जी से कहा मैं इसको विड्रॉ नहीं करना चाहता हूं, इसका लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए। उन्होंने दोनों ने मुझे कहा कि शैलेश अभी इसमें ज्यादा तुम्हें तकलीफ होगी, इसमें कुछ होगा नहीं। और मैं भी समझता हूं अगर 10 बार मेरे को हाई कोर्ट ने बुला लिया या 20 बार बुला लिया तो मेरे तो खर्चा बहुत हो जाए, आना जाना बहुत हो जाए। इसके लिए मैंने भी कहा ठीक है विड्रॉ करने दीजिए और वो मैटर विड्रॉ हो गई। मगर ये दोनों केस, और सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं तो फिर भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर था और अगर कोर्ट में ये हालत होती है तो और लोगों की क्या हालत होगी। तब तो राज्य में, देश में कोई कानून ही नहीं चल सकता है। और मेरे हिसाब से, और मुझे ये लगता है कि ये बहुत जरूरी है इस वक्त में
कि हम कोर्ट के क्रिमिनल कंटेंप्ट को चैलेंज करें, और वो होना ही नहीं चाहिए। ये गैर संविधानिक है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। न सिर्फ प्रशांत जी का मैटर, इसको मुद्दा बना के हमें ये करना चाहिए, क्योंकि हम एक एक मुद्दे पे एक एक आदमी पे लड़ नहीं सकते, जबकि देश में ये तकलीफ है कि हम एक एक आदमी पे लड़ते हैं, ये करप्ट है, इसको ये ठीक करो, ये गलत है, ये हम सिस्टम को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो ये मौका है और हमें करना चाहिए मेरे हिसाब से। धन्यवाद आपका।